सरकारें पलायन रोकने, खेती कृषि उद्यानी को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान का आज तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों का भी खेत मोह भंग होने लगा है। किसानों का कहना है कि जंगली जानवर सारी फसलों को चंद पलों में ही तबाह कर देते हैं, ग्रामीणों को मजबूरी में समय से पहले फसल की कटाई करनी पड़ रही है। हम आपको जनपद रुद्रप्रयाग के एक ऐसे ही गांव मंदोला की जमीनी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आजकल ग्रामीण धान समेत अन्य फसलों की कटाई करने में लगे हैं, जहां लोग 6 महीनों से अपनी कड़ी मेहनत और उम्मीदों से फसलों की देख रेख कर तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिन में बंदर और रात में सुअर इन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। मंदोला गांव के किसानों का कहना है कि यहां आज भी 90% खेती होती है, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित विभाग ऐसे गाँवों पर ध्यान नहीं दे रहा है। MKN न्यूज के लिए रुद्रपुर से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ग्रामीण है, सरकार दोनों ही दोषी है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई उपाय नहीं किया जाता है। ग्रामीणों का ऐसा है कि वो दिन में अपना कार्य तो करते ही हैं, फिर ऐसा है बंदरों को भगाने के लिए तो अलग ही आदमी चाहिए, फिर रात को और रात में भगाएगा कि अब वो उसको अपनी खेती का भी काम करना है, रोजगार भी करना है, उस रोजगार पे जाएगा तो खेत कौन देखेगा। अब ऐसा है खेत में इतना तो होता नहीं कि उसका पूरा पेट भर जाए। जंगली जानवरों का निवारण करें, हमारे यहाँ जो है गाँव में जो है कम से कम जो है 90% लोग जो है खेती का काम कर रहे हैं, मगर खेती करके क्या फायदा, वहाँ कुछ भी नहीं, हमें क्या मिला, कुछ नहीं। देखो सुअरों का आतंक यहाँ है, बंदरों का आतंक यहाँ है, लंगूरों का आतंक यहाँ है, और देख ही रहे होंगे आजकल हमारे गांव में या लवाई मंडाई चल रही है, और साथ ही गांव वाले अपनी खेती से भी कम ही जुड़ रखे हैं अब, क्योंकि साथ में जंगली जानवरों ने बहुत ही नुकसान कर दिया है, यहाँ पे बंदर सुअरों ने काफी नुकसान कर दिया है, इसीलिए लोग लायन कर रहे हैं। तो आजकल देख ही रहे होंगे आप लोगों की धान की कटाई हो रही है, और धान बहुत सालों से मतलब अच्छी खेती चल रही है, पर अब लोग खेती कम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जंगली जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, जैसे बंदर फिर सुअर, इसलिए लोग खेती करना थोड़ा